हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रीति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे जूही के बारे में बात करेंगे, जिसको जैस्मिनम ऑरिकुलेटम भी कहते हैं। ये एक ब्यूटीफुल समर फ्लावरिंग प्लांट है, जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, जिनमें काफ़ी मीठी खुशबू होती है। पॉटिंग मिक्स के लिए 60% सैंडी सॉइल और 40% काउडंग यानी गोबर की खाद लिया है। आप कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट मैन्योर या लीफ कंपोस्ट ले सकते हैं। सैंडी सॉइल यानी रेतीली मिट्टी नहीं है, तो जो भी मिट्टी आपके पास है, जैसे नॉर्मल गार्डन सॉइल है, तो उसमें 20% आप सैंड यानी रेत ज़रूर मिलाइए, उससे सॉइल वेल ड्रेन बनती है। तो प्लांट लगाने की सभी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन इतनी ही देर में काफ़ी तेज़ बारिश आ गई और बहुत ज़ोर की बारिश आई। अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो थोड़ी सी परेशानी हो गई, लेकिन प्लांट आज लगाना ही है क्योंकि सभी तैयारियां हो चुकी हैं। ये जूही का पौधा हम 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर लाए थे, जो कि हमने शेयर भी किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो इस पौधे को हम 8 to 10 inches के पॉट में लगाएंगे। 8 to 10 inches इसलिए क्योंकि 8 inch बड़ा ये पॉट है, लेकिन इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है। तो आप जूही के पौधे के लिए शुरू में 8 inch का पॉट भी ले सकते हैं। ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लीजिए, इसमें होल ज़रूर होना चाहिए। और एक छोटा सा पत्थर ड्रेनेज होल पर रख देते हैं, जिससे मिट्टी बाहर नहीं जाएगी, केवल एक्स्ट्रा वाटर ही बाहर जा पाएगा। वेल ड्रेन सॉइल और ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जो पौधे की रूट्स हैं वो अच्छे से चल पाएंगी, हेल्दी रहेंगी, ओवर मॉइस्चर नहीं बन पाएगा। क्योंकि जब हम पौधे को बारिश में भी रखेंगे, अगर उसमें ज़्यादा पानी हो जाएगा और अगर सॉइल अच्छी नहीं है, तो रूट्स गल जाएंगी और पौधा मर भी सकता है। तो मिट्टी के पॉट्स प्लांट्स के लिए अच्छे होते हैं, जो कि गर्मियों में प्लांट की रूट्स को ठंडक देते हैं और सर्दियों में प्लांट्स की रूट्स को थोड़ी गर्माहट मिलती है। लेकिन अगर आपके पास मिट्टी के गमले नहीं भी हैं, तो आप सीमेंट या सिरेमिक पॉट्स में लगा सकते हैं। बाकी प्लास्टिक पॉट्स का कम से कम यूज़ कीजिए। तो ये पौधा एक प्लास्टिक बैग में लगा हुआ है, तो हम इसको ऐसा का ऐसा ही बाहर निकाल सकते थे, जिससे हम प्लास्टिक बैग का रीयूज़ कर सकें। लेकिन अब हम इसको कट करने वाले हैं, क्योंकि रूट्स इसमें फंसी हुई हैं, क्योंकि इसमें बाहर निकल आई हैं रूट, तो इसको कट करना ही पड़ेगा। नहीं तो हम जो दूसरी कटिंग्स होती हैं वो इन बैग्स में ग्रो कर लेते हैं, तो इससे ये रीयूज़ हो जाते हैं। तो इसको कट हैं, और जो रूट्स हैं वो अगर थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो भी जाती हैं, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक तो रेनी सीज़न है और दूसरा जूही का पौधा कटिंग से आसानी से लगाया जा सकता है। तो थोड़ी बहुत रूट्स अगर इसकी डिस्टर्ब हो भी जाएंगी, तो कोई परेशानी नहीं है। और ये पौधा भी कटिंग से ही लगाया हुआ है, जैसे कि देखने में लग रहा है। तो अगर आपके आसपास कहीं जूही का पौधा लगा हुआ है, तो आप कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। और इस पर से एक्स्ट्रा सॉइल को हम हटा देंगे, जिससे कि जो हमने सॉइल मिक्सचर तैयार किया है वो इसमें अच्छे से काम कर पाएगा। बस जो मेन रूट बॉल है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो रिपोर्टिंग या ट्रांसप्लांट करना इसलिए दिखाना ज़रूरी है, जिससे आपको पता चले कि कौन से पौधे की रूट्स अगर डिस्टर्ब हो भी जाती हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है, या किस पौधे को कितनी सावधानी से निकालना है। तो जूही के पौधे के लिए इतनी ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं होती, थोड़ी बहुत रूट्स अगर डिस्टर्ब हो भी जाएंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो पौधे कटिंग से आसानी से लग जाते हैं उन पर ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो मेन रूट बॉल है उसको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इसको ऐसा का ऐसा रख के हम इसमें बाकी सॉइल मिक्सचर को भर देते हैं, अच्छे से फिल कर देते हैं। और पौधे को इस तरह से रखना है कि ज़्यादा ऊपर ना निकले, वो पॉट के थोड़ा सा अंदर ही रहे, जो इसका स्टेम है वो थोड़ा सा अंदर ही रहेगा पॉट के, केवल रूट्स ही पॉट के अंदर जा पाएंगी। तो उससे आप पहले ही चेक कर लीजिए कितनी ऊंचाई पर आपको पौधे को रखना है। तो हमारे पास एक जूही का पेड़ था, जो कि काफ़ी साल पुराना था। उस पर 1000 से भी ज़्यादा फूल आते थे, और वो एंट्रेंस पर लगा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा खुशबू आती थी। लेकिन जहाँ पर फिर ढाक का पौधा हमने लगाया, फिर वो पेड़ बन गया, उसकी वजह से धूप की कमी हुई, तो जो जूही का पेड़ था वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया अपने आप ही। तो हमें काफ़ी दिन से तलाश थी जूही के पेड़ की, पौधे की, तो वो हमें मिल गया। तो अब हमने सोचा इसको हम पॉट में लगाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ इतनी ज़्यादा धूप नहीं आ पाती है, इसीलिए हमने सोचा है कि अब हम इस पौधे को पॉट में ही लगाने वाले हैं। तो शुरू में आप इसको 8 inches का पॉट दे सकते हैं, और अगले साल हम इसको 12 inches का पॉट दे देंगे, जिसमें काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। तो बाकी मिट्टी को भी अच्छे से भरकर हम प्रेस कर देंगे। तो ये पौधा जो है गर्मियों में फ्लावरिंग करता है, और इसके बाद इसकी जो कुंडा है, जो दूसरी वैरायटी है जैस्मिन की, जूही की, वो फ्लावरिंग स्टार्ट करता है। तो वो सर्दियों में भी फूल देता है, लेकिन उसकी खुशबू थोड़ी कम होती है, और जूही में बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। तो उसमें डिफरेंस हम आपको ज़रूर बताएंगे कभी आगे, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसमें हम अच्छे से वाटरिंग कर देते हैं। शुरू में आप इसमें अच्छे से पानी भर दीजिए, जिससे कि रूट सेट हो जाएंगी मिट्टी में।
वैसे तो अभी रेनी सीजन था जब हमने ये पौधा लगाया था, तो ये अच्छे से इस पर सेट हो जाएगा और एक दो बारिश इस पर से निकल जाएंगी तो और भी ज़्यादा ये अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। क्योंकि जो ये पौधे होते हैं, जैसे कि जूही, इसको बारिश भी अच्छी लगती है तो ये अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। उसमें बारिश का जो पानी होता है उसमें तो वैसे भी फर्टिलाइज़र होता है, तो इस तरह से अच्छे से पानी को भर देते हैं। और इसको फुल सनलाइट में ही आपको रखना है। जब आप रिपॉटिंग या ट्रांसप्लांट करते हैं तब आपको 2 दिन तक पौधों को धूप में नहीं रखना है, धूप से बचाइए और उसके बाद आप उनको बारिश में या धूप में रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पौधा बिल्कुल तैयार है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था तो इसको हमने एक पत्थर से इसको सपोर्ट दिया है थोड़ा सीधा करने के लिए, और कुछ दिन बाद जब इसकी रूट सेट हो जाएंगी, तना सेट हो जाएगा इसका स्टेम, तो हम इस पत्थर को हटा देंगे। तो प्लांट बिल्कुल तैयार है। अब 2 दिन धूप में नहीं रखना है, 2 दिन के बाद ही हम इसको धूप में रखेंगे। तो जब बारिश आई तो एकदम से भागना पड़ा, तो उसकी वजह से इसकी एक टहनी टूट भी गई, तो काफ़ी नुकसान भी हो गया। तो 20 डेज़ के बाद आप देख सकते हैं प्लांट ने कितनी अच्छी और कितनी जल्दी ग्रोथ की है, क्योंकि जब उसको अच्छा फर्टिलाइज़र वाली मिट्टी मिल जाती है, प्रॉपर धूप यानी सनलाइट मिल जाती है, तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। और इसमें नई ब्रांचेस भी आई हैं और जो पुरानी ब्रांचेस थी उसमें भी बहुत अच्छे से ग्रोथ हो पाई है और अब प्लांट काफ़ी हेल्दी है। 20 डेज़ का रिजल्ट दिखाना ज़रूरी था क्योंकि कभी कभी पौधा लगाने के बाद सूख जाता है या मर जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी है क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में बताइए, फेसबुक पेज पर या इंस्टाग्राम पेज पर पूछिए। तो स्टैम्प भी इसका बिल्कुल सीधा हो चुका है। थैंक यू।